आगामी त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। साथ ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन आम जन से भी सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। इसी फहरिस्त में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7-8 में मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने पब्लिक मीटिंग की। पुलिस पब्लिक मीटिंग में पुलिस के आला अधिकारी, मार्केट के व्यापारी और कई सामाजिक संस्था के पदाधिकारी मौजूद हुए। पुलिस ने इस दौरान मार्केट के व्यापारियों से वहां की समस्याओं पर बात की और मार्केट के सभी हिस्सों में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों पर भी जोर दिया। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर कई बिंदुओं पर सुझाव दिए और पुलिस के सहयोग करने की अपील भी की। इसके अलावा पुलिस ने लोगों से कोरोना के नियमों की पालना की अपील की और साथ ही किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम से भी बचने की अपील की। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारियों ने 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी की बात को भी दोहराया। चाहता हूँ कि सरकार का आदेश आ गया है, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती है। तो ये पर्व ऐसा रहता है कि उस टाइम हम किसी को डिस्टर्ब करें तो बुरा भी बहुत लगता है, क्योंकि हम इसी समाज के हिस्सा हैं। तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। होली अपने घर में मनाएँ, दोस्त के घर जाना है, गाड़ी में जाएँ, एक दो जाएँ। वो जो गैदरिंग है तो वो बुरा ना मानो, होली है वाली बात उस दिन लागू नहीं होगी। कृपया इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये एडियर करेंगे। पहले सबसे पहले हमने कोविड से ही शुरुआत की थी मीटिंग की, तो अगर कोविड से बचना है तो थोड़ा होली पे पूरी दिन छपे, रात भी है, दूसरी कम्युनिटी का भी त्यौहार है और आगे नवरात्रे भी आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए जो हम सड़क रोके कीर्तन या ये गैदरिंग करते हैं उस पर बैन हो गया है। तो अंदर का तो आएगा नहीं, कैमरा बाहर का काम आए। तो जो बड़े शोरूम्स वाले और मार्केट वाले हैं सबने ही सीसीटीवी लगभग लगाए होंगे। ये बड़ी मुझे महत्वपूर्ण मार्केट लगती है। तो कैमराज को थोड़ा रोड फेसिंग में एक एक कैमरा देखें, अपना एंगल सेट करें, ताकि पुलिस को भी अगर कोई वार्ता देखो, मैंने पहले ही कहा कि समाज है तो क्राइम रहेगा, इसको कम और ज़्यादा हम कितना मिनिमाइज करने की एफर्ट कर सकते हैं। बहरहाल इसमें कोई दोहराय नहीं कि पुलिस और समाज के आपसी सहयोग से आपराधिक गतिविधियों पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा सकती है। और इस पुलिस पब्लिक मीटिंग में दिल्ली पुलिस ने मार्केट के व्यापारियों से इन्हीं बिंदुओं पर मीटिंग की। साथ ही पुलिस द्वारा सभी से शांति बनाए रखने की अपील कर त्योहारों को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के सामूहिक आयोजन पर भी पूर्ण रूप से रोक लगाने की अपील की। दिल्ली से अपने सहयोगी भारत के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। क्या आपके मेहनत की कमाई पे है चोरों की नजर? क्या यही सताता है आपको डर? तो चिंता नहीं, क्योंकि अब चोरों की कोशिश होगी नाकाम। चोरी से पहले बजेगा अलार्म, चोर नहीं दे सकेंगे वारदात को अंजाम। चोरी की वारदातों पे अब लगेगी लगाम, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सिक्योरिटी डिवाइस जो चोरी होने से पहले आपको करेगा अलर्ट और बजेगा अलार्म।